राधे कृष्णा फ्रेंड्स आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट क्योंकि अगर किसी भी चीज को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड हेलो वेलकम बैक आज की वीडियो में आपका स्वागत है हमने पिछली वीडियोस में लॉजिक को कंटिन्यू करते हुए इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक को कंप्लीट किया था आज हम करने जा रहे हैं लॉर्ड फ्रांसिस बेकन सर के बारे में उनकी जो भी कुछ हिस्ट्री है या फिर शॉर्ट नोट में अगर आ जाता है तो पांच मार्क के हिसाब से आपको कितना लिखना है या फिर क्या पॉइंट्स है जो सर के बारे में आपको याद रखने हैं कौन सी उनकी अचीवमेंट्स है वो सब कुछ आज हम देखेंगे सो लॉर्ड फ्रांसिस बेकन फिफ्टीन सिक्सटीन ट्वेंटी फिलोसोफर एंड स्टेट्समैन ये एक इंग्लिश फिलोसोफर और स्टेट्समैन थे इनके बारे बारे में हम क्यों पढ़ते हैं लॉजिक वाले टॉपिक में क्योंकि ये फादर ऑफ इंडक्टिव लॉजिक है इन्होंने इंडक्टिव लॉजिक की डिस्कवरी की थी ही एक्सप्लेन अबाउट इंडक्टिव लॉजिक इन हिज बुक नोवम ऑर्गेनम द सेकंड वॉल्यूम ऑफ इंस्ट्रोशिया मेगना दिस वॉज रिटन इन लैटिन सो इन्होंने इंडक्टिव लॉजिक के बारे में सबसे पहली बार अपनी बुक नोवम ऑर्गेनम में एक्सप्लेन किया था एक्सप्लेशन दिया था जो कि सेकेंड वॉल्यूम है इंस्ट्रोशिया मेगना का जो फर्स्ट वॉल्यूम है नोवम और नोवो ऑर्गेनम जो है वो वॉल्यूम है तो सेकेंड वॉल्यूम ऑफ इंस्ट्रोशिया मेघना दिस वॉज रिटन इन लैटिन और ये दोनों बुक कौन सी लैंग्वेज में है लेटिन लैंग्वेज में द मीनिंग ऑफ दिस बुक इज न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज जो ये नोवम ऑर्गेनम टाइटल है बुक का उसका मतलब क्या है न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज फ्रांसिस बेकन से द ट्रूथ इज़ द डॉटर ऑफ टाइम नॉट ऑफ ऑथॉरिटी यानी कि जो सच है वो डॉटर ऑफ टाइम है ऑथॉरिटी के नहीं इसका ये लाइन का मतलब है कि हमेशा समय के साथ सच बाहर आ ही जाता है किसी भी ऑथॉरिटी या पर्सन से ट्रूथ चेंज नहीं होता या फिर उससे रिलेटेड नहीं होता ट्रूथ ट्रूथ हमेशा यूनिवर्सल होता है सो so, He believed that logic is not for just argumentation and disputation. उनका ऐसा मानना था कि जो logic है वो सिर्फ argumentation और disputation यानी लड़ाई झगड़े और arguments के लिए नहीं use होना चाहिए It is not for personal opinions and speculations. ये logic जो है वो कोई भी personal opinions या फिर speculations के लिए नहीं है Theories and laws must be constructed on the basis of this fact. ये logic है उसके basis पर हम theories और laws को construct कर सकते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिंग जनरल रूल्स द मोस्ट राइ राइर कंडीशन ऑफ ग्रेजुअल एंड सक्सेसिव जनरलाइजेशन मस्ट बी एडॉप्टेड मतलब किसी भी जनरल रूल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्टली सारी कंडीशन को ग्रेजुअली और सक्सेसिव जनरलाइजेशंस का जो मेथड है उसको आपको अपडॉप्ट करना चाहिए यानी बिल्कुल भी आपको किसी भी अगर फैक्ट को रूल को आप डिस्कवर करना चाहते हो इन्वेंट करना चाहते हो तो आपको किसी भी चीज़ को लेकर लिबरल नहीं रहना है सब कुछ एकदम अच्छे से परफेक्टली आपको चेकआउट करने के बाद ही उसको जनरलाइजेशन या फिर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू तक पहुँचना है इंडक्टिव लॉजिक इज कॉल्ड एज द साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव एंड रियलिस्टिक लॉजिक इंडक्टिव लॉजिक को हम साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव और रियलिस्टिक लॉजिक बोलते हैं फ्रांसिस बेकन डिफाइंड नॉलेज एज नॉट अ कोच फॉर क्यूरियस स्पिरट नार अडेज ग्राउंड फॉर द हाउ टे डिसंस ना इधर अ टावर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द प्राउड माइंड नॉर अ टेरेस फॉर वंडरिंग नॉर अ शॉप फॉर प्रॉफिट एंड सॉल्व एट अ स्टोर हाउस फॉर द ग्लोरी बट ऑफ द ग्लोड एंड एनवलप्ड ऑफ द मेन काइड मतलब ये एक स्टेटमेंट है जो फ्रांसिस बेकन सर ने डिफाइन करने के लिए दिया था लॉजिक को कि लॉजिक है वो किसी एक क्यूरियस स्पिरिट यानी जो भी किसी भी चीज़ को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होता है उसके लिए एक वेंटेज ग्राउंड है यानी कि एक बहुत ही बड़ा आ, कह सकते हैं तो अपॉर्चुनिटी है लॉजिक के थ्रू वो अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से क्यूरियस माइंड को वो शांत करते हुए सारी चीज़ों के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एक किसी भी कंक्लूजन तक पहुँच सकता है ये किसी भी बे भी काम के बी बेफिजुल की बातें करने के लिए या फिर सजेशंस देने के लिए यूज होने वाला टॉपिक नहीं है इन शॉर्ट सो इंडक्टिव मेथडोलॉजी वॉज फर्दर डेवलप्ड बाय जॉन स्ट्रॉट विल्स फर्दर ये जो इंडक्टिव लॉजिक की मेथडोलॉजी है वो डेवलप की थी जॉन स्ट्रॉट सर ने और उन्होंने ये चीज़ डेवलप की थी अपनी बुक सिस्टम ऑफ लॉजिक में एंड इंडक्टिव लॉजिक बिकम्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉडर्न साइंस और इसके बाद इंडक्टिव लॉजिक है वो इंस्ट्रूमेंट बना हमारी मॉडर्न साइंस का यानी कि फ्रांसिस बैकन सर ने इंडक्टिव लॉजिक को अगर नहीं डिस्कवर किया होता ये टॉपिक हमें ये लॉजिकली हम किस तरीके से लॉजिक को पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते ये नहीं बताया होता तो वी वुड हैव बीन कन्फ्यूज सो इंडक्टिव लॉजिक इसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट बन गया मॉडर्न साइंस का ताकि सारे एक्सपेरिमेंट्स के बीच पे ही कोई भी लो का फॉर्मेशन हो या फिर कोई भी नई इन्वेंशन या डिस्कवरी हो फिर तो से एक बार सारे पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं He was an English philosopher and statements. Lord Francis Bacon Sir he was an English philosopher or statesman he was considered as the father of inductive logic inductive logic ka father considered jata. He explained about inductive logic in his book Noam Organum like second volume of Instrucia Magna. This was written in Latin. The meaning of the book is uh, the meaning of the title of the book is New Instrument for Knowledge. Francis Bacon said the truth is not the daughter of the time, but uh, सॉरी द ट्रूथ इज द डॉर ऑफ द टाइम एंड नॉट ऑफ द अथॉरिटी ही बिलीव डैट लॉजिक इज नॉट फॉर जस्ट आर्ग्यूमेंटेशन एंड डिस्प्यूटेशन लॉजिक है वो सिर्फ किसी भी आर्ग्यूमेंटेशन या डिस्प्यूटेशन के लिए नहीं है इट इज़ नॉट फॉर पर्सनल ओपिनियंस एंड स्पे्यूलेशन थियरीज एंड लॉज मस्स बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेिस ऑफ दिस फैक्ट थियरीज और लॉज कंस्ट्रक्ट होने चाहिए लॉजिक के बेसिस पे फॉर कंस्ट्रक्टिंग जनरल रूल्स द मोस्ट रिगरस कंडीशन ऑफ द ग्रेजुअल एंड सक्सेसिव जनरलाइजेशन मस्ट भी अडोप्टेड कंस्ट्रक्ट करने के लिए जनरल रूल्स को मोस्ट रेगरस कंडीशन ऑफ द ग्रेजुअल एंड सक्सेसिव जनरलाइजेशन मस्ट भी अडोप्टड इंडक्टिव लॉजिक इज कॉल्ड साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव एंड रियलिस्टिक लॉजिक इंडक्टिव लॉजिक को हम साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव और रियलिस्टिक लॉजिक भी बोलते हैं फिर ये जो स्टेटमेंट था फ्रांसिस बेकन सर का वो है और फिर इंडक्टिव लॉजिक इंडक्टिव लॉजिक मेथेडॉलॉजी वॉज फर्दर डेवलप्ड बाई जॉन्सॉट विल सर ही रॉट अ बुक ऑन लॉजिक कॉल सिस्टम ऑफ लॉजिक एंड इंडक्टिव लॉजिक बिकम्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉडर्न साइंस और इसी तरह इंडक्टिव लॉजिक है वो एक इंस्ट्रूमेंट बन गया फॉर द मॉडर्न साइंस अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंडक्टिव लॉजिक और साइंस क्या रिलेशन है और सब कुछ डिटेल में सो so, यहाँ पर लॉर्ड फ्रांसिस बेकन का टॉपिक खत्म होता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय थैंक यू थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाव और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशंसी और आपके जो भी सजेशंस है रिव्यूज़ है कॉमेंट में ज़रूर बताइए आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट थैंक यू